हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन सभी शेंजन कंट्रीज के सारे कॉन्सुलेट्स की जो पूरी इंडिया में स्थित हैं। दूसरा, वो कंट्रीज जिन्होंने या तो 1,00,000 या उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव किए या उनकी 3 या उससे ज़्यादा कॉन्सुलेट्स हैं इंडिया में। तीसरा, कौन सी वो 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ किए इंडियंस के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंट्री ऑस्ट्रिया से, जिसकी न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट में 36,488 वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव हुई और उसका वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 6%। दूसरे नंबर पर आती है बेल्जियम, जिसकी मुंबई कॉन्सुलेट से 17,415 वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव हुई और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा बेहद थोड़ा 3%। बेल्जियम न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट में रिसीव हुई 7,234 एप्लीकेशंस और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 15%। तीसरे नंबर पर आता है चेक रिपब्लिक कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली, जहां 24,649 एप्लीकेशन रिसीव हुई और उसका रिफ्यूजल रेट रहा 8%। डेनमार्क न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट में 24,955 एप्लीकेशन रिसीव हुई और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 7%। एस्टोनिया कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली 2460 एप्लीकेशन रिसीव हुई और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 33%। उसके बाद आता है फिनलैंड कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली 14,100 एप्लीकेशन रिसीव हुई और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 6%। ग्रीस न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट में 44,366 एप्लीकेशन रिसीव हुई और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 16%। हंगरी मुंबई कॉन्सुलेट में 13,112 एप्लीकेशन रिसीव हुई, वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 9%। हंगरी न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट 9,132 वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव हुई और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 18%। आइसलैंड न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट ने सिर्फ 644 एप्लीकेशन रिसीव की और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 12%। लातविया कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,814 और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा सबसे ज़्यादा 53%। उसके बाद लिथुआनिया कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,370, वीज़ा रिफ्यूजल रेट 33%। लग्जमबर्ग न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट वीज़ा एप्लीकेशन 2,485, वीज़ा रिफ्यूजल रेट 8%। माल्टा कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव हुई 2,970 और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 39%। नीदरलैंड्स कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली 93,812 एप्लीकेशन रिसीव हुई और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 9%। नॉर्वे कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव हुई 20,853 और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 8%। पोलैंड कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव हुई 3,923 और रिफ्यूजल रेट रहा 28%। वहीं पोलैंड की ही मुंबई कॉन्सुलेट ने रिसीव की 6,193 एप्लीकेशंस और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 5%। पोर्चुगल कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली 9,304 एप्लीकेशन रिसीव हुई और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 18%। पोर्चुगल गोवा कॉन्सुलेट 2,815 एप्लीकेशन रिसीव की और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 11%। स्लोवाकिया कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली 1,229 एप्लीकेशंस रिसीव हुई और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 25%। स्लोवेनिया कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशंस रिसीव हुई 2,200 और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 13%। स्पेन कॉन्सुलेट मुंबई वीज़ा एप्लीकेशंस रिसीव हुई 41,385 और रिफ्यूजल रेट रहा 5%। स्पेन न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव हुई 32,643 और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 12%। स्वीडन कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव हुई 26,590 और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 7%। लास्ट में आते हैं हम स्विट्ज़रलैंड पे कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,71,004 और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 6%। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 2 पर, जिन कंट्रीज़ ने 1,00,000 या उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव की और उनके 3 या उससे ज़्यादा कॉन्सुलेट्स इंडिया में हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रांस से, जिसने सबसे ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव की, जो थी 2,34,002 एप्लीकेशंस। तो हम बात करते हैं फ्रांस कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली की, जहां पर 75,546 एप्लीकेशन रिसीव हुई और रिफ्यूजल रेट रहा 23%। फ्रांस
कॉन्सुलेट बेंगलोर। वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव्ड 51,175 और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 9%। कॉन्सुलेट पांडिचेरी 27,656 एप्लीकेशन रिसीव्ड और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 12%। फ्रांस कोलकाता कॉन्सुलेट में 16,345 एप्लीकेशन रिसीव हुई जिसका वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा बेहद शानदार सिर्फ 3%। इसके बाद कंट्री नंबर 2 है जर्मनी, जिसने 152,138 एप्लीकेशन इंडिया में रिसीव की। और हम बात करते हैं उसके मुंबई कॉन्सुलेट की, जहां 57,687 एप्लीकेशन रिसीव की और रिफ्यूजल रेट रहा 10%। वहीं न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट में रिसीव हुई 45,426 एप्लीकेशन, जहां वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 12%। बेंगलोर कॉन्सुलेट ने रिसीव की 36,406 एप्लीकेशन और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 9%। वहीं चेन्नई कॉन्सुलेट ने रिसीव की 21,894 एप्लीकेशन और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 10%। कोलकाता कॉन्सुलेट ने रिसीव की 7,792 एप्लीकेशन और वीज़ा रिफ्यूजल रेट फिर बहुत थोड़ा सिर्फ 3%। अब हम आ जाते हैं कंट्री नंबर 3 इटली, जिसने ओवरऑल इंडिया से 118,870 एप्लीकेशन रिसीव की। तो शुरू करते हैं मुंबई कॉन्सुलेट से। मुंबई कॉन्सुलेट ने रिसीव की 65,691 एप्लीकेशन जिसका वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 8%। वहीं न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट ने रिसीव की 43,000 एप्लीकेशन और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 22%। कोलकाता कॉन्सुलेट ने 10,186 एप्लीकेशन रिसीव करते हुए 12% का रिफ्यूजल रेट दिया। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं 5 उन शेंजन कंट्रीज़ की जिन्होंने इंडियंस की वीज़ा एप्लीकेशन को सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ किया। नंबर 5 पे है स्लोवाकिया कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली, जिसने 1,229 एप्लीकेशन रिसीव की और 916 वीज़ा इशू किए, 301 वीज़ा डिनाई किए और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 25%। नंबर 4 पे है लिथुआनिया कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली, जिसने 1,370 एप्लीकेशन रिसीव करते हुए सिर्फ 916 वीज़ा इशू किए, 447 वीज़ा रिफ्यूज़ किए और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 33%। नंबर 3 पे है इस्टोनिया कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली अगेन, 2,460 एप्लीकेशन रिसीव करते हुए 1,652 वीज़ा इशू किए और 806 रिफ्यूज़ और वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा 33%। नंबर 2 पे है माल्टा कॉन्सुलेट अगेन न्यू दिल्ली, जिसने 2,970 एप्लीकेशन रिसीव की, 1,766 वीज़ा इशू किए और 1,149 वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हुए रिफ्यूजल रेट दिया 39% का, जी हाँ 39%। और हम बात करने जा रहे हैं लातविया की। नंबर 1 पे है इंडियंस को वीज़ा रिफ्यूज़ करने वाली कंट्री लातविया, जिसने 1,814 एप्लीकेशन न्यू दिल्ली कॉन्सुलेट में रिसीव करते हुए 851 एप्लीकेंट्स को वीज़ा दिया, 956 एप्लीकेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया और इसका वीज़ा रिफ्यूजल रेट रहा सबसे ज़्यादा 53%, जी हाँ 53%। तो दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करके हमने शेंजन वीज़ा का डाटा तैयार किया था, तो जब आप कमिंग सीजन में वीज़ा एप्लीकेशन अपनी फ़ाइल करें तो बहुत ध्यान से इस बात को सोचें कि हमें किस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। लास्ट 2 वीडियोज़ में भी मैंने शेंजन वीज़ा का पूरा डेटा बताया है, तो आप उन वीडियोस को भी ध्यान से देखें और डिसाइड करें कि किस कंट्री का वीज़ा आपको अप्लाई करना सबसे फ़ायदेमंद साबित होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।